तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल शर्मा व्लॉग्स में। तो जैसा हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि जब हम मक्की की निंदाई करेंगे तो उसका व्लॉग भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो आज हम आए अपने खेत में मक्की की निंदाई के लिए। तो चलिए आपको मक्की की निंदाई दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मक्की का पौधा और इसके चारों ओर हमने ऐसे खेत पे खुरपी चलानी है। तो ये देखिए होगी इसकी निंदाई। ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो आसपास का घास होता है वो मक्की की कई बार खुराक खा देता है, तो इसलिए उसको हटाना काफ़ी ज़रूरी होता है ताकि मक्की अच्छे से ग्रो कर पाए। तो इसलिए इसकी निंदाई करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो अनवांटेड ग्रास होता है उसे निकालने के लिए हम निंदाई करते हैं, और साथ ही में जो न्यूट्रिएंट्स जो मिट्टी में ऊपर आ गए होते हैं तो उन्हें वापस मक्की की जड़ तक पहुंचाने के लिए भी निंदाई का काम किया जाता है। तो देखिए, जैसे ये है अनवांटेड ग्रास जो कि आ गया है निकलने का। तो ये देखिए, तो ये क्या करता, अभी इन दोनों की न्यूट्रिशन ले लेता और जिसके कारण ये जो है वो बेकार हो जाती, इनको इतनी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाती और ये ख़राब हो जा सकती है। तो इसलिए भी निंदाई ज़रूरी होती है। तो दोस्तों ये आप देखिए, ये बहुत से बीज जो है थे उग नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि या तो इन्हें प्रॉपर खुराक नहीं मिल पाती या ज़मीन के उतने अंदर नहीं जा पाते कि जहाँ से इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, तो जिसके कारण जो है वो ये ऐसे रह जाते हैं और ये तो ख़राब हो चुका है, अब इसमें से पौधा नहीं लगेगा। तो देखिए ये खराब है। दोस्तों ये देखिए, हमने गाय के लिए चरी और बाजरा भी उगाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, मक्की की निंदाई कंप्लीट हो चुकी है और हम बहुत थक चुके हैं, बैक पेन भी बहुत हो रहा है। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।